तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फाइनली आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। और आपके सामने देख पा रहे हैं कि होंडाई की टक्शन लेके आया हूँ, जो कि 2015 का मॉडल है, 2015 का मॉडल है। तो इसका मैं जा रहा हूँ डैशबोर्ड खोलने के लिए, क्योंकि इसका इवापोरेटर कॉइल जो है ना लीक हो चुका है। इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलूँगा और इवापोरेटर कॉइल रिप्लेस करूँगा। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें मेरे को खोलना पड़ेगा, सबसे पहले वन बाय वन क्या क्या खोलना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको मेंशन करूंगा और बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ज़रा आपको गाड़ी चालू करके दिखा देता हूं। तो फाइनली गाड़ी चालू हो चुकी, कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, सब सही है। तो चलो सबसे पहले मैं इसकी बैटरी की वायर निकाल देता हूँ, बैटरी वायर निकाल के आता हूँ। तो फाइनली बैटरी वायर निकाल चुका हूँ। अब सबसे पहले कंसोल बॉक्स से खोलना स्टार्ट करते हैं अपन। तो कंसोल बॉक्स खोलने के लिए अपने को सबसे पहले ये वाला चीज़ें निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको निकालता हूँ। तो ये वाला खोलने के लिए माइनस स्क्रू ड्राइवर इधर लेना लगाना है। तो देख पा रहे हैं ये निकल चुका। तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ। तो फाइनली यहाँ से इसको खींच लेने का, निकाल देने का इसको। ये निकल गया, ये सॉकेट रहेगी। तो सॉकेट निकल गया, तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। अब जो है अपना उसके बाद ये वाला निकलेगा। निकल चुका ये भी। अब ये भी निकलेगा। ये भी फाइनली निकल गया। इसमें दो सॉकेट रहेंगे, दो तीन। तो ये सब सॉकेट निकालता हूँ मैं। तो फाइनली इसका सॉकेट निकल गया। अब इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब अपने को सामने क्या दिख रहा है, ये स्क्रू है। ये स्क्रू भी खोलेंगे तो इधर निकालना टाइम अड़चन ना करें। और एक स्क्रू यहाँ पे है, उसके बाद ये स्क्रू खोलना पड़ेगा। इसके बाद इसके अंदर दिया हुआ रहेंगे। सामान निकाल लेता हूँ मैं ज़रा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 3-10 नंबर दिया है, तो 3-10 नंबर और स्क्रू खोलता हूँ ये सब जो खोलना पड़ रहा है मेरे को। तो खोल के तो फाइनली कंसोल बॉक्स का इधर का सब पूरा हील्ड है, सब खुल चुका है। यहाँ की पट्टी ये निकाल दिया हूँ, अलग कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ से ये कनेक्ट रहता है गियर बॉक्स के इसमें। यहाँ की स्क्रू खोल दिया हूँ, नहीं खोलते तो भी हो जाता, लेकिन बट यहाँ खोला इसलिए गया क्योंकि ये अड़चन ना करे निकालने टाइम। इधर निकाले तो ईजिली आ जाए। और एक स्क्रू यहाँ पर रहता है और ये निकाल दिया हूँ। सेम इस तरीके का इधर भी है, इसको निकाल देने का। और पीछे एक स्क्रू, यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ रहता है, ये स्क्रू खोल चुका हूँ। अभी अपना निकल जाएगा, देख पा रहा है निकल गया। तो चलो इसको पीछे होल्ड करता हूँ मैं। तो फाइनली अपना कंसोल बॉक्स का सेटअप तो निकल गया। अब अपन गियर बॉक्स को खोल देते हैं। एक बोल्ट ये 12 नंबर, 1, 2, 3, एक ये 4, और ये लॉक निकाल देता हूँ इसको। यहाँ से इसको अलग कर देता हूँ, माइनस स्क्रू ड्राइवर से कटाना पड़ेगा इसको। तो इसको निकालता हूँ मैं सब। तो अपना गियर बॉक्स भी निकल चुका है, इसमें एक सॉकेट लगी है। इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला निकलेगा। उसके बाद ये फ्यूज बॉक्स का कवर, एक स्क्रू ये, एक
स्क्रू है, ये खोलता हूँ स्क्रू। इसके बाद साइड से एक दो स्क्रू दिया है, ये खोलता हूँ। इसके बाद ये वाला निकलेगा, बोनेट लॉक, उसके बाद ये माइनस स्क्रू डॉल लगाना पड़ेगा। ये भी खुल चुका, ये भी खुल चुका। अब ये सब स्क्रू खोलता हूँ, सेम इधर का ऐसे ही खुलेगा, खुल चुका। तो बाकी इधर का सब खोलता हूँ। तो फाइनली ये भी खुल चुका अपना, इसमें OBD सॉकेट है। तो चलो इसको निकालता हूँ, और ये 12 नंबर खोलना पड़ेगा अपने को, और स्टीयरिंग का बोल्ट खोलना पड़ेगा, और ये सॉकेट निकालना पड़ेगा। तो कौन सा निकालता हूँ मैं, अपन अब आ जाते हैं नीचे। नीचे साइड से ये 4 बोल्ट खोलना पड़ेगा मेरे को, स्टीयरिंग एंगल का जो बोल्ट है, एक अंदर 2, एक 3, एक अंदर 4, टोटल 4 बोल्ट है, वो खोलना पड़ेगा। अब सॉकेट देखने सबसे पहले बाहर कौन सी है, बाहर की वायरिंग से कौन सी आई है और कौन सी डैशबोर्ड से है। तो चलो फ्यूज बॉक्स से शुरू करते हैं। तो ये जो वायर है डैशबोर्ड से नहीं है, बाहर से वायर है। तो ये सब सॉकेट निकालना पड़ेगा। ये वाली, तो चलो मैं सब सॉकेट खोलता हूँ। थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा है, एक हाथ से जम नहीं रहा अपने को, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला नहीं निकल रहा है जल्दी। चलो ये भी निकाल दिया। तो अब यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई सॉकेट की, और कौन सी सॉकेट निकालना पड़ेगा इधर मेरे को। इधर ये वाली सॉकेट तो निकालना नहीं पड़ेगा। तो चलो ये 12 नंबर खोलता हूँ। एक 12 नंबर यहाँ है, ये खोलना पड़ेगा। स्टीयरिंग का बोल्ट, स्टीयरिंग जॉइंट के पास का बोल्ट, ये रही 12 नंबर। तो चलो इसको खोलता हूँ मैं। तो फाइनली इधर की ये भी सॉकेट खोलना पड़ा अपने को, ये वाला, क्योंकि ये फ्यूज बॉक्स से आया हुआ है। ये तो पहले इसको BCM से खोलना ही पड़ा था, उसके बाद ये वाला फ्यूज बॉक्स खोलना पड़ा अपने को। और एक सॉकेट है ये अभी तक। तो ये 12 नंबर चारों खुल गया यहाँ का, स्टीयरिंग यूनिवर्सल जॉइंट के पास का 12 नंबर खोल चुका हूँ, और इसको ऊपर ले लेने का। स्टीयरिंग लॉक कर देना पहले, लॉक हो चुका है, अब इसको ऊपर ले लेना है। अभी इजीली नहीं जा रहा है क्योंकि लॉक हो गया स्टीयरिंग, तो वापस से अनलॉक करना पड़ेगा। तो स्टीयरिंग अनलॉक कर चुका हूँ, अब ये इजीली निकल जाना चाहिए। तो फाइनली ये निकल चुका, वापस से डाल देता हूँ स्टीयरिंग लॉक। अब इसको निकाल देना है।
तो ये फाइनल निकल चुका। अब इस साइड में ये वाला एयरबैग का सॉकेट, इधर से 12 नंबर क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट का एक यहाँ पे। अब चलो मैं उस साइड जाके दिखा देता हूँ आपको। वो इस साइड से पहले ग्लो बॉक्स निकाल दिया गया है, उसके बाद 12 नंबर एक ये सेम इस साइड भी 4 12 नंबर है। उसके बाद नीचे कुछ सॉकेट है, खोलना पड़ेगा। ये देख पा रहे हैं ये वाली सॉकेट, सेम उस साइड की तरह ये बाहर निकालना पड़ेगा अपने को। तो चलो इसको बाहर निकालता हूँ मैं। तो फाइनली इस साइड का फुल एंड फाइनल खुल चुका। ये तीनों सॉकेट अलग करना पड़ा। उसके बाद इधर एक 12 नंबर ये और ये वाला पाइप पीछे का डक्ट अलग करना पड़ा। बाकी सब खुल गया, देख पा रहे हैं। अब डैशबोर्ड अपना निकल जाएगा, डैशबोर्ड हिल्ड है, निकल जाएगा। और बाहर से क्या क्या खोला गया है, सबसे पहले वाइपर ब्लेड निकाला गया, ऑल पैनल खोला गया। उसके बाद एक्सपेंशन वाल का पाइप, हीटर का दोनों पाइप, उसके बाद ये रही दोनों 12 नंबर जो बाहर से खोलना पड़ता है कॉल पैनल खोलने के बाद। तो अपना डैशबोर्ड फुल निकल जाएगा। तो चलो डैशबोर्ड निकालते हैं अपन। फिर डैशबोर्ड निकाल के, डैशबोर्ड निकाल के फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली डैशबोर्ड अपना निकल चुका, पल्टी मार दिया हूँ। अब अपने को इवेपोरेटर कॉइल खोलना है। तो एक स्क्रू, दो स्क्रू, तीन स्क्रू, ये कपड़ा निकालेंगे, इधर दो तीन स्क्रू इधर रहेगा। ये सब स्क्रू खोलता हूँ और इसको मैं निकालता हूँ इवेपोरेटर कॉइल। हीटर कॉइल को पीछे लेना पड़ेगा ये स्क्रू खोल के। थोड़ा सा पीछे लेंगे, नहीं ज़रूरत नहीं है इसमें निकालने की हीटर कॉइल को, ये निकल जाएगा ऐसे ही। तो चलो इवेपोरेटर कॉइल निकालता हूँ मैं। तो फाइनली सभी स्क्रू खोल चुका हूँ, देख पा रहे हैं अभी अपना इजीली निकल जाएगा। तो देख पा रहे हैं निकल चुका है अपना इजीली, देख पा रहे हैं इवेपोरेटर कॉइल पूरा सरने को आया है। तो इसका जो है ना ये वाला थोड़ा अड़चन करता है, तो इसको तोड़ देने का इजीली फिर निकल जाएगा ये। तो देख पा रहे हैं कलर का लीकेज है इसका, पूरा समझ में आ रहा है। अब ये रही नया वाला, तो चलो नया वाला फिट करता हूँ मैं। फाइनली इवेपोरेटर कॉइल फिट हो चुका, अब इसका कवर लगा देता हूँ। तो चलो इसको फाइनल में फिट करता हूँ। तो फाइनली फिटिंग हो चुका, और ये रही इसका इवेपोरेटर सेंसर, थर्मिस्टर, कूलिंग टेम्परेचर सेंसर, रेफ्रिजरेशन सेंसर, सब स्क्रू वगैरह फिट हो गया। अब इसको लगा देते हैं। तो चलो अपना फिट हो गया, तो वापस से इसको फिर डैशबोर्ड डाल देता हूँ मैं। तो फाइनली वापस से डैशबोर्ड डाल चुका हूँ, तो अब सब इसको फिटिंग करता हूँ। तो फिटिंग करने से पहले सिर्फ मैं स्टीयरिंग वाला जो बोल्ट है, स्टीयरिंग यूनिवर्सल जॉइंट, वो डाल के दिखा देता हूँ आपको एक बार। वापस से ऐसे ही डालना है, देख पा रहे हैं वापस से अंदर चला गया। तो चलो बाकी सब वगैरह फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर मैं दिखाता हूँ। और जैसे जैसे खोला गया था वैसे वैसे ही फिटिंग होगा, तो उसी तरीके से आप फिटिंग कर लेना। तो चलो मैं फाइनली फिटिंग करता हूँ और बीच में एक बार दिखा दूँगा आपको। तो पहले प्रेशर मार के चेक कर लेते हैं। Thank you.
300 पे जा रहा है प्रेशर। ये प्रेशर निकाल दो। तो चलो अब अंदर फिटिंग करते हैं अपन, और जब तक के प्रेशर होल्ड रहेगा और बाद में फिर चेक कर लेंगे प्रेशर होल्ड है या नहीं है। तो चलो अंदर का सर फिटिंग करते हैं पहले। तो फाइनली देख पा रहे हैं अंदर का काफ़ी फिट हो गया, यानी लगभग सब कुछ फिट हो गया, थोड़ा बहुत फिटिंग करना बाकी है। तो मैं बाहर दिखा देता हूँ प्रेशर होल्ड है या नहीं है अभी तक। और बाहर का भी सब फिट हो गया देख पा रहे हैं, एक्सपेंशन वाल, हीटर पाइप, कॉल पैनल वगैरह सब बैठ चुका, प्रेशर मार के रखा था, सब हो गया। प्रेशर देख लेते हैं, प्रेशर भी होल्ड है तो प्रेशर छोड़ देता हूँ। अब मेरे को वैक्यूम लगाना है, ये लाइन चेंज कर देता हूँ। को इधर कंप्रेसर के वैक्यूम लाइन में लगा देता हूँ। कंप्रेसर चालू कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। देख पा रहे हैं वैक्यूम हो रहा है, तो चलो वैक्यूम होने देते हैं। तो फाइनली पूरी तरीके से गाड़ी पूरी फिट हो चुकी है, देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से पूरा फिट हो गया है। तो चलो बाहर चलते हैं ज़रा। बैटरी वायर अभी लगाया नहीं हूँ, तो सबसे पहले सिलेंडर में पाइपलाइन लगा के रखा हूँ, इसको छोड़ देता हूँ यहाँ से गैस, क्योंकि अपना वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है। तो इसको पलटी मारता हूँ और बैटरी वायर लगा के गाड़ी चालू करता हूँ। तो फाइनली बैटरी वायर लगा दे रहा हूँ मैं इसको। तो चलो अब अंदर चलते हैं, गाड़ी चालू करता हूँ। तो फाइनली अब जा रहा हूँ गाड़ी चालू करने के लिए। गाड़ी चालू हो चुकी है, कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है। इधर से एसी ऑन कर रहा हूँ, एसी ऑन हो चुका, आउटसाइड एयर चालू कर दिया हूँ। बाहर चलते हैं, गैस वगैरह डालते हैं इसमें। तो अभी कंप्रेसर बंद है, ये गैस अंदर है ही नहीं, अंदर से एसी चालू है। गैस छोड़ता हूँ यहाँ से, देख पा रहे हैं कंप्रेसर चालू हो चुका अभी। गैस जा रहा है, तो फुल गैस मारता हूँ मैं इसमें। फाइनली फुल गैस चार्ज हो चुका है, देख पा रहे हैं सक्शन प्रेशर 30 पे है, बराबर चल रहा है। रिटर्न लाइन वगैरह बराबर चेंज हो रहे हैं, फैन वगैरह बराबर चल रहा है। तो चलो अंदर चलते हैं, कूलिंग टेम्परेचर वगैरह दिखाता हूँ कितना आ रहा है इसमें। तो फाइनली गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और आप सबसे पहले थर्मामीटर में लगा के रखा था 8 पे 7.9 आ चुका है कूलिंग टेम्परेचर 7.8। इसमें अप डाउन कर रहा है, मतलब यहाँ पे आके कूलिंग रुका है 7.9 7.8 7.6 7.5 7.3 7.2 1 6.8 6.7। देखते हैं कहाँ तक जा रहा है कूलिंग टेम्परेचर, 6.4 6.2 6.2 5 तक कूलिंग आता है इसका, आएगा 5 तक कूलिंग इसका। थर्मामीटर ऑफ हो गया,
5.9, चलो 5 तक कूलिंग आ गया, यानी कूलिंग प्रॉपर हो रहा है। तो गाइज मैं आप लोगों के सामने किस तरीके से ये गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड खोल के आपके सामने दिखाया आपको, कूलिंग टेम्परेचर वगैरह सब कुछ ए टू जेड, कैसे कैसे मैं खोला, किस तरीके से फिटिंग किया, ए टू जेड आपको दिखाया। तो गाइज़ आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस मेरा रीज़न एक ही है कि मैं यहाँ की गाड़ियाँ आप लोगों तक दिखाऊँ, आपके सामने क्या प्रॉब्लम आता है वो सब चीज़ें आपको दिखाऊँ, बाकी और कुछ नहीं। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।